प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो मुलाकात हुई उसके बाद 15 दिनों के भीतर बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने का दावा करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के सामने एक बार फिर से मुंह खोला है। क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपनी चुप्पी तोड़ी। वैसे वीरेंद्र सिंह जब भी मुंह खोलते हैं हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ हमलावर नजर आते हैं। शनिवार के दिन नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जींद पहुंचे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपना और बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाल दिल नायब सिंह सैनी के सामने खोल कर रख दिया। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको चूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इनका, ये नुकसान करेंगे आपका। और मैं तो आज भी इसी स्टेज पे भी ये कहता हूं कि इसके पल्ले सामान ही नहीं बचा, उससे क्या करोगे? है नहीं, पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी। बीजेपी के दिग्गज चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं 99% भाजपा कार्यकर्ता जेजेपी से गठबंधन तोड़ना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हरियाणा में बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता है जिनको रहने दो। 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है, अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना, पार्टी के हित में हो और मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, हाँ चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या, तो मेरी बात मान लेना। और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए, साथ 20 से ऊपर सीट नहीं आएगी। राजनीति में 5 दशक से ही ज्यादा लंबी की पारी खेलने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह को अब कौन समझाए कि बीजेपी को अगर अपनी आवाज सुनाई देती तो 2 अक्टूबर की जींद रैली में आपकी आवाज भाजपा पहले ही सुन चुकी होती। अब देखना यह है कि चुनावी नफे नुकसान के गणित में जेजेपी को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार क्या फैसला करते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़।